हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 का ओनरशिप रिव्यू, और यहाँ पे अपने साथ अपने भाई योगी। भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम भाई, बढ़िया मस्त झकास मजे। बाइक कैसी है? कौन सी? ये वाली? ये तो यार है ही यार, एक नंबर। तो वीडियो में भाई सब कुछ क्लियर होना चाहिए, जैसे वो अपने होता ना अदालत में, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। पक्का ना? ऊपर हाथ रख के। पक्का? पक्का। तो आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। इन्होंने कितना किलोमीटर चलाया ये बता दो सबसे पहले। 1700 किलोमीटर चला रही है, और कितना 2 महीने हो गए शायद? नहीं, 1 महीना और 10 दिन। 1 महीना 10 दिन, तो 1.25 महीने का और 1700 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू है भाई। ये जो भी है भाई यही है, और काफी चलाया इसने बाइक को, हर जगह चलाया, मतलब ऑलमोस्ट सिटी में, हाईवे पे, सब जगह चला लिया। तो काफी शानदार ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। बाकी अपने भाई का भी चैनल है रेडर 125 के, बहुत सारे वीडियो उन्होंने बनाए, हर छोटे से छोटा वीडियो बनाया इन्होंने। उनके चैनल का नाम यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। राइडर के सारे वीडियो आपको इसके चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में करते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे भी आपको इसी टाइप के बाइक के इन्फॉर्मेशन के वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यार ये अपने योगी भाई की बाइक फुली ब्लैक कलर में ली है, देख सकते हो ऑल ब्लैक ये बाइक है। और सबसे पहले मीटर कंसोल दिखा दो यार, तुम तो सबसे पहले मीटर कंसोल दिखाओ, कितना किलोमीटर चली है, बाकी चीज़ें सारी बाद में बात करेंगे अपन। इसका है यार मीटर कंसोल, कितना यार मीटर कंसोल तो शानदार है, 1665, तो 1665 किलोमीटर का रिव्यू है, 1700 किलोमीटर भी नहीं हुए पूरे। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले तो भाई ये बता दो कि तुमने जो बाइक खरीदी है रेडर 125, ये ही क्यों खरीदी? यार एक्चुअली क्या है कि मुझे एक, मेरे पास हाई सीसी की बाइक है, हाई पावर वाली, फिर मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिससे मैं सिटी राइड कर सकूं, अच्छा लॉन्ग राइड भी कर सकूं अगर मेरा इच्छा करे तो। अच्छा। और बाइक में पावर भी हो, माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाए, और कम से कम 125 सीसी की हो। अच्छा। 125 सीसी में, और बजट में ऑप्शन 3-4 थे, जैसे कि ग्लैमर एक्सटेक हो गई, हाँ। और आपकी SP125 हो गई, रेडर 125 हो गई, पल्सर 125 हो गई, ये सारे ऑप्शन थे। बट इन सब में जब कंक्लूजन निकला, मैंने वीडियोस वगैरह सर्च करे और शोरूम विजिट वगैरह करे, तो इन दी एंड ये निकला कि अभी करंट टाइम पे जो बेस्ट बाइक है वो है रेडर 125, क्योंकि जो फीचर्स, अच्छा, और जो अपन को पावर वगैरह और जो माइलेज चाहिए सब मिल रहे थे, सब मिल रहा था इस बजट में। ठीक है, चलो आपने बाइक परचेज करी, अच्छी बात है, काफी शानदार बाइक है वैसे यार ये। और आपने इसको 1665 किलोमीटर चलाया है, तो उसमें हर आपने मतलब कंडीशन में चलाया है, तो सबसे पहले तो मैं यही बात कर लेता हूँ भाई, माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं अपन, कि माइलेज आपने कितना एक्सपेक्ट किया था, सर कितना आपको क्या मिल रहा है, सिटी में कितना मिल रहा है, हाईवे पे कितना क्या मिल रहा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए। यार देखो माइलेज की तो सच में, अगर जो यहाँ पे सारा ट्रू रिव्यू है, कुछ भी अपन फेक नहीं बताएंगे, तो सच में माइलेज जो मुझे था 125 सीसी की बाइक से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड था, जैसा कि एसपी वगैरह भी आराम से 55-60 तक का दे देती है, 60-65 देती है, 60-65 देती है ना, तुम्हारे पास एसपी काफी टाइम से रही है, तो इसके माइलेज में अगर, पता नहीं मुझे अभी, हो सकता है थोड़ा बाइक जैसे जैसे चलेगी तो माइलेज अच्छा दे, बट अभी तक मैं हैप्पी नहीं हूँ इसके माइलेज को लेकर, सेटिस्फाइड मिल रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं इसके माइलेज को लेकर, क्योंकि सिटी में मैंने इसका देखो टेस्ट किया था, तो टेस्ट में ऑलमोस्ट सिटी में ये 45 का दे रही है अभी एक्सट्रीम ट्रैफिक में। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाईवे पे जब मैंने इसका टेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट 55 से ज्यादा का नहीं दे रही है, 52 मान के चलो आप। तो यार बाकी ये इतना माइलेज अभी न्यू है, तो बाकी और एक्सपीरियंस अपन इसका जैसे निकलेगा वो कर लेंगे, अभी यार न्यू बाइक है, एक सर्विस हुई शायद इसकी, फर्स्ट सर्विस थोड़ा चलने देते हैं तो और अच्छे से, लेकिन अभी 50-55 आपको मिल रहा है इससे। बाकी एसपी से कंपेयर करें तो एसपी में तो टायर भी तो पतला ना, उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें माइलेज ज्यादा अच्छा मिल जाता है, इसमें टायर थोड़ा मोटा है इस वजह से। तो माइलेज की बात हो गई, इसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ा सा पावर की, परफॉर्मेंस की। आपको जैसा आपने कहा कि मेरे को पावर चाहिए थी, तो पावर से कितना खुश है? नहीं, पावर जैसे एसपी वगैरह, ग्लैमर एक्सटेक, पल्सर वगैरह, इनसे कंपैरिजन करूं तो पावर अच्छी है, बाइक में बहुत अच्छी है, फन टू राइड है, चलाने में मजा आता है, कॉम्पैक्ट बाइक है, ज्यादा हीट भी नहीं होती, सिटी में चला सकते हो, हीटिंग इशू नहीं है, हां ये भी एक पॉइंट होने वाला था मेरा, हाईवे पे भी इसमें क्या है कि मतलब हाईवे पे ऐसे लगता नहीं कि आप छोटे सीसी की बाइक चला रहे हो, मजा आता, पूरा मजा आता है, परफॉर्मेंस से खुश हूं, परफॉर्मेंस से भी खुश हूं, और पावर भी इनोसेंट पावर है, हाँ। स्टार्टिंग की जो इनिशियल पावर है वो भी काफी अच्छी है, और अगर अपन इसको जैसे टॉप स्पीड कितनी चलाई है आपने? टॉप स्पीड मैंने इसकी 115-16 तक ही टच करी है, 115, बट मैं इसकी बात करूं स्वीट स्पीड की, तो इसको आप 90 पे चलाए, 90 पे अच्छी चलती है हाईवे पे, तो ये बाइक की शानदार परफॉर्मेंस, माइलेज और पावर तीनों चीज आपको मिलेगी। अच्छा अच्छा, 90 की स्पीड अच्छी है। इसकी सीट कैसी, कंफर्ट वगैरह कैसा सीट का? सीट कंफर्ट की तो भाई मैं बात करूँ ना, इसका तो इसका हो गया फैन, इसमें टीवीएस ने और कुछ दिया हो नहीं दिया हो सीट अच्छी दी है, सीट कंफर्ट और सस्पेंशन कंफर्ट, हाँ ये तो सही बात है, प्यारा दिया है सीट, एक तो स्प्लिट सीट है, ठीक है, राइडर और पिलियन दोनों के लिए इस अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है कि ना राइडर को परेशानी हो ना पिलियन को परेशानी हो, अगर आप डिस्क ब्रेक भी यूज कर रहे हो ना तो पिलियन भी राइडर की तरह स्किड नहीं होता, अच्छा बहुत सी, मतलब सीट के कंफर्ट से खुश हो आप? कंफर्ट से एकदम 100%।
अच्छा, और बात कर ले थोड़ी सी हेडलाइट की यार, इसमें डीआरएल वगैरह काफी तामझाम दिया है, डीआरएल वगैरह काफी अच्छा है, हेडलाइट भी काफी अच्छी है, इसके डीआरएल देखो यार लुकिंग अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, लाइट कितनी अच्छी है, लुक्स तो अच्छे हैं, नाइट राइड करी है। अपन अगर ट्रू बात कर ले, मैंने हाईवे पे भी इसका रिव्यू करा हुआ है, और एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट इसमें चाहिए चाहिए, और इसकी लाइट में क्योंकि टीवीएस यार लाइट के लिए जाना जाता है, जिसकी 200 आती है, जिसकी 160 आती है, वो उधर खड़ी उसकी तो बहुत अच्छी लाइट है यार। जो मैं कह रहा हूँ ना, इन सेगमेंट में जिसकी टीवीएस, मेरे को यही था कि टीवीएस अपनी हेडलैम्प के लिए जाना जाता है, बिल्कुल, अभी जो वर्क कर रहा है टीवीएस अपने हेडलाइट पे, आपको फॉग लैम्प की जरूरत नहीं है, बट इस बाइक में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए हाईवे पे, हाई बीम में कमी लगी या फिर कहां कहां कमी लगी? उसका मुझे बिल्कुल घटिया लगा, घटिया लगा। इसमें पता क्या दिक्कत है, इसमें यार इन्होंने हाई बीम, लो बीम और डीआरएल तीनों अलग अलग दिए हैं। अच्छा अच्छा, ये इशू है इसमें, तो इसकी क्या है तो भाई, अब इसको तो पता नहीं, लाइट कम लग रही है, बाकी मेरे को तो ठीक लगी यार, मेरे को तो सही लगी, ठीक लगी मेरे को, ज्यादा मतलब अगर डार्क कंडीशन आ जाती है ना तब तो आपको दिक्कत होगी। चलो ठीक है, भाई का रिव्यू है, भाई की बाइक है, इसने ज्यादा चलाया तो ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको। सस्पेंशन वगैरह कैसा है? मतलब मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था, और अचानक से बड़ा सा गड्ढा आ गया रोड पे। अच्छा, तो मेरे पास ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं कट मार के निकल जाऊं, तो मैंने उसको कुदा दी, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे दोस्त ने बोला यार अपनी ड्यूक से अच्छा है, तो यार अरे ड्यूक से ऐसा फील नहीं आता था। अच्छा अच्छा, दच का पता ही नहीं लगा। मैंने कहा सस्पेंशन इसका मोनोशॉक भी अच्छा है, टेलीस्कोपिक भी अच्छा है। अच्छा, सस्पेंशन पे काफी अच्छा वर्क किया टीवीएस ने। और बाकी इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ब्रेकिंग कैसी क्या लगती है इसमें? ब्रेकिंग काफी अच्छी है, सही है। इसमें एक्चुअली क्या एसबीटी सिस्टम है, फ्रंट में डिस्क है, पीछे एसबीटी सिस्टम है, तो ब्रेकिंग आपकी एक इनोसेंट स्पीड पे चलाओ, बहुत हाई स्पीड पे तो मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब नॉर्मल 70-80 70-80 की स्पीड पे आपको कहीं ब्रेक टेस्ट किया? आपने ब्रेक टेस्ट किया है? वीडियो है चैनल पे, तो इसके चैनल पे जाके ब्रेक टेस्ट देख लेना भाई, कैसा क्या इसका है ब्रेकिंग, वो स्पीड पे भी रोका है वो भाई, वहाँ पे देख लेगी पब्लिक अपने को, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, 70-80 की स्पीड में इनफ ब्रेकिंग है। और भाई ये जो साइलेंसर, इसकी साउंड कैसी क्या लगी, ये आपको सुना देते हैं एक बार। इसके साउंड में मतलब मजा है, बहुत अच्छी लगी मेरे को, जिसका तो सुना दीजिए थोड़ा साउंड भी यार, साइलेंसर दिखने में काफी अच्छा है, सच में बहुत प्यारा है। तो स्टार्ट करो, तो बहुत साइलेंट स्टार्ट होती है भाई। हाँ, देखो आप बिल्कुल अपाचे वाला। अरे वाह, गजब, तो पावर वगैरह काफी अच्छी है। तो अब यार मतलब आपने ओवरऑल तो सब कुछ बता दिया है, कंफर्ट वगैरह, पावर, परफॉर्मेंस सब बता दिए, एंड में यार ये बात करते हैं, सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बुरा क्या लगा, बात करते हैं अच्छाई से, अच्छा क्या लगा इस बाइक में, सबसे अच्छी चीज़? सबसे अच्छा तो अपन जैसे बात करें तो लुक्स अच्छे हैं, टॉप इसका लुक, पावर, हाँ, रोड स्टेबिलिटी, ये तीनों अच्छी है। अगर आप चलाते हो हाई, जैसे मैंने लॉन्ग राइड के पर्पज से ही लिया, मैं इससे बहुत जल्द लॉन्ग राइड भी करूंगा, जो कि इसके चैनल पे देखने को मिलेगी यार, तो आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे यार मैं सीरियसली बताऊं ना, ग्लैमर वगैरह है उनको कहीं ना कहीं हाईवे पे आप चलाते हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता वो पता, मैंने भी चलाई, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छा है, कंफर्ट भी ठीक लगा, मतलब मैंने जितना चलाया, कंफर्ट तो है ही, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपको कब आता है, जब आपकी ब्रेकिंग अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल, अगर आप हाई स्पीड पे बाइक चला रहे हो तो आपको ये भी होना चाहिए कि मेरी बाइक रुक भी सकती है, ये स्टेबल भी है चलने में, हाईवे पे स्टेबल भी है और उसी तरह से रुक भी सकती है, वो चीज मुझे इसकी टॉप। और कमी क्या लगी, कमी की बात कर दे यार, कमी वो कमी आगे जाके पूरी हो जाए, माइलेज माइलेज और एक मुझे इसका हेडलैम्प का थोड़ा मजा नहीं आया। हेडलैम्प तो यार देखो ठीक है, मतलब जितना है, लेकिन माइलेज टीवीएस वाला मजा नहीं आया जो टीवीएस से उम्मीद थी। अरे कोई ना यार, अभी देखो ये हेडलैम्प को रो रहे हैं, हमारे इसमें इतने सारे फीचर्स है, हमारी उस बाइक में कोई फीचर ही नहीं है, फीचर इतने सारे, फिर भी वैसे आदमी कभी पूरा खुश कभी नहीं होता, मैं कह रहा हूँ इसमें साला डबल चैनल भी आ जाए तो भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं लोग, कमी और खूबी हर चीज में होती है। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, तो माइलेज अभी थोड़ी सी कमी लगी, बाकी और अभी चलाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। और आपने इसको परचेज किया था भाई, 104,000 की दिए थे शायद अपन, तो 104,000 में सेटिस्फाई हो या फिर ऐसा लग रहा है यार ठग लिया कंपनी ने, कोई दिक्कत है ऐसा? बिल्कुल, वो बताओ तुम पहले भाई। मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस तरह मतलब 104,000 लेके ऐसे मजा आ रहा है चलाने में, बल्कि ज्यादा लग रहा है कि यार 104,000 के हिसाब से बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, सेटिस्फाई हो, फुल फुल सेटिस्फाई होगी। 10 में से कितने नंबर दोगे टीवीएस को? मैं दूंगा इसको 9 के आसपास, 9 के आसपास। एक नंबर काटा किसका? एक नंबर वही, अच्छा अच्छा, माइलेज और वो थोड़ा हेडलैम्प। तो बाकी अगर आज 125cc में कोई बाइक परचेज करना चाहता है और उसकी पसंद एसपी है, तो उसको एसपी छोड़ के लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अभी देखो ये क्या है, इनका जो सेगमेंट है ना, ये क्या है, इनमें ट्रेंड चेंज होता रहता है। बिल्कुल, अभी का ट्रेंड चल रहा है भाई रेडर 125। आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, दोनों चलाइए, तूने एसपी भी चलाई है, रेडर भी चलाई है, आज के टाइम में अगर तेरा एक्सपीरियंस रेडर 125 का, बाकी देखो ऑडियंस की पसंद है, जिसको लेनी ऑडियंस को जो लेनी है,
जिसको होंडा ही लेनी है। अपने एक्सपीरियंस से बता, तूने वो चलाई है, चलाई तेरे को क्या? आज का टाइम रेडर 125 बेस्ट इस सेगमेंट, आज के टाइम में बेस्ट बाइक है, ठीक है। और मैं भी एग्री करता हूँ उसकी बात को, क्योंकि मेरे पास SP1 साल से है और इसको भी मैंने काफी चलाया है। तो ये जो बाइक है ना यार, मतलब अलग चीज है। 125cc में सब फीचर्स देखने को मिलते हैं, काफी चीजें हैं इसमें जो कि आपको और अदर बाइक में देखने को नहीं मिलती। तो ओनरशिप रिव्यू में सब कुछ बता दिया। प्लस पॉइंट बता दूं मैं, बिल्कुल, जो जिस बंदे को बाइक की नॉलेज नहीं है ना, जिस इंसान को, वो इजीली बता भी नहीं पाता कि 125cc की बाइक। हाँ, अगर स्पोर्ट बाइक लगती है बड़ी यार, या तो चलाएगा या खुद पूछेगा यार कितने सीसी की कौन सी बाइक, लुकिंग अच्छी है लुकिंग। तो यार यही था अपने योगी भाई के साथ रेडर 125 का ओनरशिप रिव्यू। इस बाइक के बारे में सब कुछ इन्होंने बता दिया है। बाकी फिर भी अभी भी कोई डाउट रह गया आपका कि यार ये बाइक के बारे में मेरे को ये चीज़ और जाननी है, कोई भी सवाल हो ना, भाई के चैनल पे जाओ, रेडर के इसने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और भी आएंगे आगे, और भी कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना यार, ये बना देता है। इसके पास ये बाइक का रेडर तो चाहे जितने वीडियो बना सकता है, आपका सारा डाउट क्लियर कर सकता है। तो बस आज की वीडियो में भाई अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये ओनरशिप रिव्यू था एंड आई होप आपको सब कुछ पता चल गया होगा इस बाइक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि ऐसे ही नॉलेज वाले बाइक के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। और 125cc के सेगमेंट में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, रेडर 125 या फिर SP125, मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी मैं पर्सनल बात बताऊँ ना, अगर जब मैंने SP परचेज करी थी, तब अगर रेडर होती ना तो मैं रेडर ही लेता यार। SP के टाइम में वो सबसे बेस्ट हुआ करती थी, तो मैंने वो ली। और आज के टाइम में अगर मैं 125cc की कोई बाइक मैं परचेज करूँ तो मैं रेडर 125 ही परचेज करूँगा। और मैं क्यों करूँगा इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है, सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो आप। तो यार ये था बस आज के इस वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो इंस्टा पे आप मेरे से कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।